सबसे ज्यादा ईदी किसे मिलती है और सबसे कम ईदी किसे मिलती है? सबसे ज्यादा ईदी मुझे अपने भाइयों से मिलती है। सबसे ज्यादा भाइयों से मिलती है? बिल्कुल। कितने मिल जाती है? 15,000-20,000। रिश्तेदार ईदी नहीं देते? बिल्कुल भी नहीं देते। ताई, फूफो, खाला, मामू। फूफो का आप नाम भी कैसे ले सकती हैं? मुनफरिद, दिलचस्प और हैरत अंगेज वीडियोस को देखने के लिए न्यूज ऑन को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को क्लिक करें। शुक्रिया। क्या नाम है? आमना। आमना, मुझे ये बताया, ईदी मिलती होगी? जी मिलती है। सबसे ज्यादा किससे मिलती है? मंगेतर से। कितनी ईदी मिलती है? 5,000। 5,000? और सबसे कम किससे मिलती है? सबसे कम नानों से। नानों से कितनी मिलती है? 500 तक। 500 तक। सबसे जो आज तक सबसे ज्यादा गुस्सा आया हो, जिसने जिससे उम्मीद हो कि ये बहुत ईदी देगा लेकिन थोड़ी ईदी दी? पुप्पो से। पुप्पो ने क्या किया? बस पुप्पो सड़ील सी ऐसी है। ईदी थोड़ी देती है? जी। बातें ज्यादा सुनाती है? बहुत। कितनी ईदी देती है? 100 रुपए। पुप्पो को पैगाम दे दो। क्या पैगाम दूँ पुप्पो को? पुप्पो को इस बार ईदी बढ़ा दें। इस बार ईदी बढ़ा दें प्लीज। चले जी, पुप्पो ही नहीं, ईदी जो है वो ज्यादा करते हैं। महंगाई ज्यादा हो गई है तो ईदी भी ज्यादा होनी चाहिए, है ना? जी। क्या नाम है आपका? इकरा। इकरा, ईदी मिलती है? जी मिलती है। सबसे ज्यादा किससे मिलती है और सबसे कम किससे मिलती है? जब मम्मी पापा थे तो बाबा से ज्यादा मिलती थी, अब हस्बैंड से। अब हस्बैंड से ज्यादा मिलती? जी। सबसे कम किससे मिलती है? सबसे कम बस अब हस्बैंड से मिलती, शादी के बाद किसी से और मिलती नहीं है। बस एक ही बंदे से ईदी मिलती। अच्छा, वो कौन सा घर होता है जहाँ जाते हुए बंदे को खुशी तो होती है कि ईदी ज्यादा मिलेगी लेकिन बहुत कम मिल जाती है? पुप्पो की और या ताया के, ताया का घर ऐसा होता है। दाद को भी ऐसा होता है कि अव्वल तो मिलती नहीं है, मिल भी जाए तो बहुत कम होती है। अपने दाद को क्या पैगाम देंगे? यार थोड़ी शर्म कर लिया करें, हम भी आपके अपने बच्चे हैं, जब नान के दे सकते हैं तो आप क्यों नहीं देते? जी, इन्हें ईदी दिया करें, बहुत बुरी बात है, साल में एक दफा आती है ना? चले जी, जरूर। क्या नाम है आपका? अलीशा। अलीशा, मुझे ये बताया कि ईदी तो मिलती होगी? बिल्कुल मिलती है। तो सबसे ज्यादा ईदी किसे मिलती है और सबसे कम ईदी किसे मिलती है? सबसे ज्यादा ईदी मुझे अपने भाइयों से मिलती है। सबसे ज्यादा भाइयों से मिलती है? बिल्कुल। कितने मिल जाती है? 15,000-20,000। ओह, वेरी ज्यादा मिलती है। और कम किससे मिलती है? कम और कोई भी नहीं देता, रिश्तेदार तो बिल्कुल ही नहीं देते। रिश्तेदार ईदी नहीं देते? बिल्कुल भी नहीं देते। ताई, फूफो, खाला, मामू। फूफो का आप नाम भी कैसे ले सकती हैं? फूफो तो कभी भी ईदी नहीं देती होती हैं। नहीं, फूफो क्या करती है? ईद वाले दिन उनके घर जाते होंगे मिलने? हाँ, बस घर ही जाते हैं और थोड़ी सी सवैयाँ खा के वापस आ जाते हैं। कोई ईदी कोई कुछ नहीं? नहीं नहीं, बिल्कुल भी नहीं। अच्छा, और मामू? मामू, हाँ मामू दे देते हैं थोड़ी बहुत। हाँ, थोड़ी बहुत देते। सबसे ज्यादा गुस्सा किस बंदे पे आया जिससे बहुत एक्सपेक्टेशन थी ये बहुत ज्यादा ईदी देगा लेकिन थोड़ी सी उतना ईदी दे? मेरी फूफो और चाचू। क्या एक्सपेक्टेशन थी और क्या ईदी मिली आप? एक्सपेक्टेशन कोई भी कुछ भी दे दे मुझे लेकिन कुछ भी नहीं देते। तो आप जिद नहीं करती कि नहीं जी ईद है, ईद पे तो हक बनता है ना? नहीं, अब जिद वाला टाइम थोड़ी है, बस खुद दे दें वो। नहीं, तो कभी कंप्लेन भी नहीं किया आपने पापा मम्मा किसी से? बिल्कुल की है लेकिन वो कहते हैं कोई बात नहीं, अब तुम बड़ी हो गई हो, ऐसे ही ठीक है, कोई बात नहीं। तो ऐसे होता है कि फूफो आपको ईदी ना दे लेकिन आपके पापा फूफो को बच्चों को ईदी दे रहे हो तो गुस्सा आ रहा होगा, हमें तो मिली नहीं है क्यों? बिल्कुल ऐसे होता है, बाद में पापा से मैं इस बात पे लड़ती हूँ कि क्यों दी है। ठीक है, तो फिर पापा क्या कहते हैं? कहते हैं कि मैं उनका भाई हूँ, मैंने उनके बच्चों को देनी है। आपने नहीं कहा कि वो भी तो आप मेरी आपकी बहन है ना? नहीं, वो आगे से बात टाल देते हैं। अच्छा जी, पप्पो और चाचू को इस बार ईद पर क्या पैगाम देती है ईदी के हवाले से? इस बार ईदी दे दें। जी दे दे, इतनी प्यारी जी है, इस बार तो उन्हें ईदी दे देना। क्या नाम है आपका? ज़ारिश असलम। अच्छा, मुझे बताया ईद वाले दिन ईदी मिलती है? ईद मिलती है। सबसे ज़्यादा किससे मिलती है, सबसे कम किससे मिलती है? सबसे ज़्यादा पापा से मिलती है। सबसे कम किससे मिलती है? सबसे कम कोई दूर का रिश्तेदार हो तो। आज तक सबसे ज्यादा गुस्सा किस पे आया कि यार इसने इतनी थोड़ी ईदी दी है मुझे? ईदी पे तो कोई गुस्सा नहीं आया, ईदी तो ईदी होती है, मतलब ऐसे ईदी कम बहुत ज्यादा मिली हो यार ये क्या बात हुई? नहीं नहीं, इस बात पे गुस्सा नहीं कभी किया। फूफो के घर से सही ईदी मिलती है? फूफो ने आज तक अभी ईदी दी नहीं है, ये मेरा खास पैगाम है कि फूफियाँ छुपियाँ कोई ईदी नहीं देती ना मुझे, आज तक जिंदगी में कभी किसी फूफो ने ईदी दी है, मेरी फूफो ने कभी ईदी नहीं दी। तो पापा जी माइंड ना करना लेकिन बात सच्ची है, ईदी नहीं देती फूफो, कभी भी नहीं दी आज तक। तो इतनी सुनाती है फूफो, ईदी क्यों नहीं देती? बातें ही आती हैं बस फूफो को, और ईदियों शीदियों के मामले में कोई नहीं होता। तो अगर फूफो देख रही हो क्या पैगाम देना फूफो को? मैंने कोई उम्मीद नहीं रखी थी मैंने किसी से कभी भी, तो फूफो से कोई उम्मीद नहीं है? फूफो से कोई किसी से कोई उम्मीद नहीं है। इस बार फूफो से उम्मीद है ईदी की? बिल्कुल भी नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह।
शुक्र अदा करती हूँ इस बात में भी मैं। अगर वैसे पुप्पो को इस बार ईदी की थोड़ी सी गुजारिश करनी हो तो कैसे करेंगे? नहीं, मैंने कोई गुजारिश नहीं करनी। एटीट्यूड? नहीं, एटीट्यूड वाली बात ही नहीं है। मतलब नहीं, नहीं पुप्पो, चाहत की बात होती है ना, कि आप कोई आपको चाहत से कितना दे देता है, ठीक है ना। साथ सिर्फ चाहत की होती है, पैसे की कोई औकात नहीं होती। पापा से भी नहीं कहा कि पापा ये क्या बात है, पप्पो कभी ईद ही नहीं देती? नहीं, कभी गिला नहीं किया। माँ बाप से बस उम्मीद लगानी चाहिए, अल्लाह ताला से उम्मीद लगानी चाहिए बस। फिजा, ईद वाले दिन ईदी मिलती है? हाँ जी। सबसे ज्यादा किससे मिलती है, सबसे कम किससे मिलती? सबसे ज्यादा पापा से मिलती है, सबसे कम किसी से भी नहीं मिलती। वैसे सबसे कम किसकी ईदी होती है? मेरी ताई की। ताई अम्मी कम देती? ताई अम्मी देती है हमें, लेकिन कम देती है, बहुत कम। कितनी देती है? उनकी होती है 1000-2000 बस। तो ये काम होती है? नहीं, मेरे लिए तो काम होती है। तो कितनी एक्सपेक्ट करती हो ताई अम्मी, कितनी दे? ज्यादा देना। ताई अम्मी को कह दो इस बार ईद पे ज्यादा ही। ताई अम्मी, मुझे ज्यादा ईदी चाहिए इस बार। वो तो कभी कभी देती भी नहीं है। खा जाती है? खा जाती है। बातों में इधर उधर कर देती? हाँ जी, इधर उधर कर देती। अच्छा, वो कौन सा घर है जहाँ जाने की बड़ी उम्मीद होती है कि यहाँ से ज्यादा ईदी मिल रही है? वो पप्पो का घर। पप्पो के घर से ज्यादा ईदी मिलती है? हाँ जी। ये पहली लड़की है नाजरीन नौजरात, पप्पो के घर से इससे मिलती है ना। वहाँ पे तीन बेटियाँ भी हैं, वो भी देती हैं, पप्पो भी देती हैं। भाई, पहली हमें लड़की मिली है पूरे लाहौर में जो कहती है पप्पो के घर से ज्यादा ईदी मिलती है। पप्पो के घर से। चलो, पप्पो के लिए कोई पैगाम बता दो ईद का। पप्पो के लिए कुछ भी नहीं। लड़ाइयाँ कब क्या करें? लड़ाइयाँ नहीं करती। सच्ची बात बता दो, कोई नहीं मुझे घर जाके मार पड़। सच्ची बात बता दो, कुछ नहीं होता? नहीं नहीं। क्या तो पप्पो लड़ा काम कर? पप्पो लड़ा काम कर। चलो, पप्पो बताएगी अब इस बार 1000 भी नहीं मिलना। सही है, 1000 भी कैंसर। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अच्छा, मुझे बताया आपको ईदी मिलती है? हाँ, अल्हम्दुलिल्लाह। सबसे ज्यादा किससे मिलती है और सबसे कम किससे मिलती है? सबसे ज्यादा अपने हस्बैंड से मिलती है। कितनी मिल जाती है? माशाल्लाह 20-30 हज़ार रुपये दे देते हैं। माशाल्लाह, क्या बात है, माशाल्लाह। और सबसे कम किससे मिलती है? सबसे कम अपने भाइयों से मिलती है। कितनी मिल जाती है? वो 2-2 हज़ार रुपया दे देते हैं। शुक्र अल्लाह का। वो भी शुक्र अल्लाह, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। तो आपने कभी कहा नहीं कि भाई मुझे ज्यादा ईदी दिया? नहीं, हम नहीं मांगते इतने ज्यादा, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह मियां, क्या लगता है भाभियां मना करती है? नहीं नहीं, वो खुद ही इस तरह के यहाँ इतनी देती है। अच्छा, मुझे बताएं कि फूफो तो है ना आप? नहीं, मैं फूफो हाँ, माशाल्लाह से। तो अभी जितनी लड़कियां मिले वो कहती फूफो हमारी ईदी देती नहीं है। तौबा नौज़ुबिल्लाह, वो पता नहीं कैसी है फूफियाँ। मैं तो फूफी बहुत अच्छी हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह, अपनी तारीफ नहीं करना चाहिए, मगर शुक्र अल्लाह का मैं सबको फूफियाँ ईद। अरे बच्चे मुझसे बहुत खुश होते हैं कि हमारी ये फूफो आई है, लेकिन वो कहते हैं कि फूफो के घर चले जाओ बातें सुनाने के अलावा कुछ नहीं करते। तौबा नौज़ुबिल्लाह, मैं ऐसी नहीं हूँ। हैं बहुत ज़्यादा ऐसी फूफियाँ होती हैं, मगर मैं नहीं हूँ। ये फूफो इतनी बदनाम क्यों है? हाँ, पता नहीं क्या बात है। ये पप्पो क्या रिश्ता ही ऐसा है पप्पो वाला ना, तो बेचारी बच्चिया पप्पो से ताक। अल्लाह माफी दे, शुक्र अल्लाह पाक का, मैं तो सबको प्यारी लगती हूँ जी। ये थे ईद की बहुत मजे मजे की बातें, और आप देखते हैं कि ईद वाले दिन मुझे कितनी ईदी मिलती है, क्योंकि मुझे भी बहुत थोड़ी सी ईदी मिलती है। तो मेरी तरफ से और न्यूज़ ऑन की टीम की तरफ से आप सबको बहुत बहुत ईद मुबारक। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगली दफा मिलेंगे किसी नई वीडियो के साथ, तब तक अपना ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। ये वीडियो सोशोन के तआवुन से पेश की गई है। सोशोन पाकिस्तान का नेशनल सोशल मीडिया नेटवर्क है। अपना अकाउंट बनाने के लिए सोशोन.com पर जाएं या गूगल प्ले स्टोर और एप्पल ऐप स्टोर से सोशोन ऐप डाउनलोड करें और पाकिस्तान का अपना सोशल मीडिया इस्तेमाल करें।